जय हिंद दोस्तों, हम लोग कुछ आज का अपडेट लाए हैं कोरोना वायरस पे। आपको सोच के हैरानी होगा कि कोरोना वायरस कितना बुरी तरह से पूरा दुनिया को जकड़ रहा है। आपको हम बताते हैं कि चाइना में 1 मार्च 2020 को 80,000 पेशेंट था और आज 26 मार्च है, आज वहां 81,000, मतलब पिछला 26 दिन में मात्र 1,000 पेशेंट बढ़ा है और पिछला 10 दिन में सिर्फ यूएस में 4500 से आज 4500 था, 4500 से आज के हो गया है करीबन 86,000। आप सोचिए कितना लंबा, करीबन 80,000 जहां अमेरिका रुका हुआ है, 80,000 सिर्फ 10 दिन में बढ़ा है अमेरिका। कितना बुरा हाल होगा अगर इंडिया में अगर 86,000 हो जाए तो। आज इंडिया में 724 मरीज है आज 26 तारीख 3 बजे तक। आप बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, सब सोचते घर पे क्यों बैठे, बाहर क्यों करें, मस्जिद मदरसा में सब घूम रहे हैं। हम आपको एक छोटा सा मात्र छोटा सा एक स्टोरी बताते हैं कि एक आदमी को चोट लग गया था, पूरी तरह जख्म हो गया था। तो उससे पूछे बाबा कितना दर्द हुआ होगा, उसने बोला मेरा भाई का पूरा पैर कट गया होगा, तो सोचो उसको कितना दर्द हुआ होगा। आप समझ सकते हैं कि दर्द को कैसे कम किया जा सकता है। अगर हाथ में चोट लगा है उसको भी वो इजिली लिया, बोला कि उससे बड़ा दर्द के बारे में सोचो कितना बुरा होगा, वो उसका पूरा पैर कट गया होगा। एक आदमी बोला कि हम इतना घर पे 21 दिन कैसे पड़े रहेंगे। दूसरा आदमी बोला कि मेरा भाई 6 महीना से जेल में है, वो सोचो कैसे होगा बिना परिवार का, बिना खाना पीना, बिना व्यवस्था का। आप उसको अलग तरीका से सोचिए, आप ये मत सोचिए कि घर पे कैसे बंद रहेंगे, ये सोचिए कि लोग कितना बुरा हाल हुआ होगा अमेरिका में, चाइना में या इटली में, जो है इतना तेजी से बढ़ रहा। इटली का फिगर बताते हैं कि आज 16 मार्च को 3500 था और आज वहां करीबन 81,000 है। सोचिए वहां लाश उठाने वाला कोई नहीं है। आप इसको अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो इतना बुरा हाल होगा कि इंडिया के पास बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा, आपका परिवार का एक भी आदमी को हो गया तो पूरा घर होगा, वो छोड़ दीजिए वो अलग बात है, आप अपना परिवार को अगर हो गया तो उसको देख नहीं पाएंगे, आप उसके सामने नहीं जा पाएंगे। गलती से कुछ हो गया तो उसका दाह संस्कार भी आप नहीं कर पाएंगे, इतना बुरा हाल है। आप सोचते हैं कि घर पे क्यों रहे, कैसे रहेंगे, ये रहेंगे, लोग पैदल जा रहा है दिल्ली से बिहार, बंबई से बिहार। अरे भैया 10-20 दिन अंदर घर पे रहो ना शांति से। सरकार बोल रहा है, हेल्पलाइन नंबर दे रहा है कि ये लोग कोई भी मेरे को फोन करो, हम अफसर सब सुविधा कर देंगे। आरएसएस वाले को देख रहे हैं वीडियो, पूरा हर जगह अपना हर किसी को मदद के लिए मौजूद है। आप अगर थोड़ा भी इसको आसानी से लेंगे तो आप बुरा ने बहुत बुरा फंसने वाले हैं। कुछ तस्वीरें देखा जा रहा है कि पुलिस वाले ने बहुत जोर से मार रहा, बहुत लोगों को मार रहा। अरे भाई अगर वो नहीं मारेगा तो इटली जैसा, यूएस जैसा ये हाल हो जाएगा, चाइना के जैसा। आप चाहते कि चाइना बन जाए? हाँ, कुछ जगह पुलिस वाले ने गलत किया है कि कुछ सब्जी बेच रहे थे, जैसे आप देख सकते हैं ये वीडियो में कि सब्जी बेच रहा है और उनको ढकेल दिया। कुछ जगह देखा जा रहा है कि कुछ लोग निकले हैं राशन खरीदने, उसको भी मारा जा रहा। लेकिन आप ये देखिए कि पुलिस वाले से कितना लोग बदतमीजी भी कर रहे हैं। कुछ वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा, इतना पब्लिक समझदार नहीं है कि ये इस तरह से व्यवहार कर रहा है। अरे वो चाहता तो घर पे आराम से बैठ सकता था हम लोग आपके जैसा, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे बैठा हुआ है, काम कर रहा है। किस लिए? आपके लिए। अगर आप नहीं सुधरे तो भगवान भी आपको नहीं बचाया जा सकता है।